नमस्ते दोस्तों, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। पिछली बार मैंने दिवाली पर आपको वो तला हुआ चिवड़ा दिखाया था, तो इस बार मैं नायलॉन के पोहा से, यानी ये पतले पोहा होते हैं, उसके पोहा से मैं ये चिवड़ा दिखाने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। ये चिवड़ा बनाने के लिए मैंने करीबन 1.5 किलो नायलॉन का पोहा लिया है। ये जीरा और सरसों है, हींग, थोड़ा सा गार्लिक और करी पत्ता, ये थोड़ी हरी मिर्च, हरी मिर्च अपने हिसाब से ले लीजिए, ये थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा नमक, हल्दी, ये चने की दाल, ये मूंगफली और काजू आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और ये ड्राई की हुई कोरिएंडर लीव्स है। ये चिवड़ा बनाने से पहले ये 2 घंटे के लिए नायलॉन के पोहा को धूप दे दीजिए अच्छी तरह, और फिर उसके बाद इसको हम गैस पर थोड़ा गर्म करके लेने वाले हैं एक मिनट के लिए। सिर्फ 1 मिनट तक इसको थोड़ा सा गर्म करके ले लीजिए। ये पोहा गर्म करके एक बड़ी सी प्लेट में निकाल कर ले लीजिए, इसकी ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक बड़े से पतीले में 150 ग्राम तेल ले लीजिए। तेल को गर्म होने दीजिए और फिर उसमें जीरा और राई डाल दीजिए, फिर उसमें हींग जाएगा, फिर करी पत्ता और लहसुन जाएगा, फिर हरी मिर्च डालिए। इसको अच्छी तरह भून कर ले लीजिए लहसुन को, और हरी मिर्च का उसमें तीखापन जाना चाहिए। फिर उसमें काजू डालिए और फिर चने की दाल, वो भी अच्छी तरह भून कर ले लीजिए। फिर उसके बाद इसमें मूंगफली जाएगी। मूंगफली के बाद हल्दी डालेंगे हम, फिर उसके बाद नमक, फिर उसके बाद ये पाउडर शुगर, और फिर उसके बाद ये कोरिएंडर जो ड्राई की हुई है वो। इस सारे मसाले को अच्छी तरह भून कर ले लीजिए। ये अच्छी तरह भूनने के बाद गैस को बंद कर दीजिए और पतीले को नीचे ले लीजिए, और फिर इसमें ये पोहा जाएगा। इसको अच्छी तरह मिला कर ले लीजिए। तो ये हमारा नायलॉन का पोहा बन चुका है। तो इस बार दिवाली पर आप ज़रूर बनाकर देखिए नायलॉन के पतले पोहे का ये चिवड़ा, और मुझे ज़रूर बताइए ये चिवड़ा आपको कैसे लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।